हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ है और आज एक मिनट मेरा चेंज कर ले। और आज हम लोग जो नए लोग हैं, सबसे पहले एक बार जो नए लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ कि आप हमारे इजी टूल वाले चैनल पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थंबनेल देखा है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास मैक मिनी होता है। और हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, जो लोग जिन्होंने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका उनको भी मेरा बहुत 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 धन्यवाद और वेलकम है कि मतलब आए हम मेरा मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक पर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? आज के टॉपिक ये है कि हम लोग मतलब हमारा जो लोग एप्पल यूजर है वो गेम के लिए कंप्यूटर या फिर फोन पे भी चलेगा। फोन पे मैक सब एब्सोल्युटली मतलब एप्पल सिलिकन पे हम लोग मतलब लाइक गेम खेले कैसे, ओके गेम खेला कैसे जा सकता है? ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना सीन चेंज करके इधर आते हैं। खुल गया। ओके, बात आती है हम लोग के यहाँ पे, जब हम लोग आ जाते हैं ओके यहाँ पे, तो कोई भी एक बात और बता दो, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जब आप भी गेम्स देखने की कोशिश खोलने की कोशिश करेंगे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कम गेम्स मिलेंगे जो फ्री होंगे मैक के लिए और अच्छी क्वालिटी की ज़्यादा भी नहीं होंगे। और जो अच्छी क्वालिटी के होंगे मतलब मन करता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेलते हैं उनका उनके लिए भी मतलब वो उसमें पैसा लगता है। और जैसे आपको अरे ये तो भी तो है पल ये NBA 2K24 गेम फ्री में, वाह गाइस फ्री में और फ्री में अच्छी क्वालिटी का है, डाउनलोड कर लो। नहीं, डाउनलोड कर ही नहीं गया, अगर मैं गेट पे दबा पाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको 99 रुपये मतलब 100 रुपये महीने का आपको भरना पड़ेगा एयर गेट के लिए। तो कहाँ से ढूंढे, कहाँ से लाए फ्री के लिए? ओके, डोंट टेक एनी टेंशन क्योंकि मैं हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग पहला चीज तो क्या करेंगे, पहली चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी का कंप्यूटर हो जो फुल नहीं है, जिसका पूरा फुल नहीं है मतलब कि उसकी स्टोरेज अगर जो है फुल नहीं है, तो फिर वो कौन से ऐसे गेम्स खेल सकता है अच्छे ग्राफिक्स के, तो मतलब अच्छे खेल सके। तो मेरे पास है और इसमें कुछ गेम होगा तो इसमें लिखा होगा नॉट वेरीफाइड फॉर मैक ओएस। ओके, तो चलिए देखते पहला गेम मतलब अगर उसके जो है 8 GB स्टोरेज है और उसके पास तो वो खेल सकता है गेम्स लाइक ये वाला गेम, ये आप देख सकते हैं मैक मिनी ऑफ कोर्स M1 एप्पल सिलिकन ये चल सकता है और शायद से कंट्रोलर सपोर्ट भी है ये, मगर आप कंट्रोलर सपोर्ट एक और बात कंट्रोलर सपोर्ट्स सपोर्ट्स नहीं सपोर्ट्स में शायद से कंट्रोलर सपोर्ट्स में ही एक और बात, मगर ये गेम और अगर ये कंट्रोल सपोर्ट से होता भी है और अगर आप कोई गेम ढूंढते हैं तो आपको कोई सस्ता वस्ता वाला गेम जो कंट्रोलर नहीं हो सका आपको एक्सबॉक्स का या फिर प्ले स्टेशन फोर का देगा, जो कि मेरे पास भी नहीं। और अगली बारी आती है सेकंड गेम की जिसका नाम है एसफॉल्ट 8 एयरबॉल्ट। एयरबॉल्ट प्लस पे कभी मत जाना एयरबॉल्ट, क्योंकि एयरबॉल्ट एक प्लस गाइस इट इज एन एप्पल आर्केड गेम। यस गाइस, ये इट इज एन एप्पल आर्केड गेम और ये जो गेम है ये भी अच्छे ग्राफिक्स का गेम है, ये भी अच्छे ग्राफिक्स का गेम है, इसको मैं ट्राई करके खेल भी चुका हूँ। ओके, तो अब हमारा जो हाई गेमर जो जिनको हाई गेमर गेमिंग करना अच्छा लगता है वो खेल सकते हैं रेजिडेंट एविल 4। यस गाइस, ये मतलब उनके लिए नहीं है जो ज्यादा जीबी स्टोरेज रखते हैं। जिस 64 जीबी स्टोरेज का गेम है ये गेम फुल हाई क्वालिटी का गेम है। आप देख सकते हैं रेजिडेंट एविल 4, इवन यू नो दैट बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पे बता सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक गेम चैनल स्टार्ट करें तो ये भी आपके लिए रेजिडेंट एविल 4 हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपना सेकंड, अब हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे कोड ऑफ वॉर शूटिंग गेम। अब ये थोड़ा सा मतलब उतने हाई ग्राफिक्स का गेम नहीं है, मैं भी खेल चुका हूँ। ये 593 MB का है, मतलब आप इसको अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, मतलब ये ज्यादा वैसा वाला नहीं है। और हाँ, अब बड़े गेमर्स की बात आती है, बोले तो बड़े गेमर्स की रेजिडेंट एविल 7 बायोहैजर्ड। यस गाइस, मैंने इनको गेम टू खेला नहीं क्योंकि जीबी ज्यादा है इसका, भाई मेरा उसका नहीं है, मैं
मतलब मैं इसमें एक ही मैनेज का कुछ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अच्छी ग्राफिक्स का है और ठीक है यहाँ पे। अच्छा अब ठीक है, अब एक चीज और, जब आप कोई गेम ढूंढ रहे हो मैप स्टोर पे, तो उसमें चाहे वो जो है इन परचेज गेम हो, ओके, तो मतलब इन परचेज गेम के लिए ना उसमें एक चीज लिख के आ जाए, जैसे ये देखो, जैसे अब ये देखो ये स्टंबल गाइस वाला गेम है, इसमें लिखा है डिजाइन फॉर आईपैड नॉट वेरीफाइड विद मैक ओएस, इट चेस प्लेयर लर्न ऑनलाइन गेम है डिजाइन फॉर आईपैड है, मतलब डिजाइन फॉर आईपैड, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लोग मैक में खेलते तो इसका कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम लोग माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अमोंग अस गेम है, मैंने भी इसको एक बार डाउनलोड किया था, डिजाइन फॉर आईपैड मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मेरी गलती हो गई, इसलिए मैंने डिलीट कर ली। शैडो पार्ट 2 मैंने भी इसको डाउनलोड करके देखा था, असल में ये भी खेल सकते हैं, इस गेम को हम लोग खेल सकते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि इसके नीचे लिखा नहीं है डिजाइन फॉर आईपैड। मगर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एक प्रॉब्लम क्या भाई, मतलब इसमें पता नहीं क्या अपडेट करने को बोलता है, मेरा पता नहीं कितने बचा बार अपडेट किया। ओके तो अब बात बार ही आती है कि रियल ड्राइविंग, ओके तो अब आप चाहते हैं कि मतलब अच्छा, तो ये भाई अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब इतना ये 7-7 GB का गेम दिखा दिया आपने, 4 GB का गेम जो है आपने दिखा दिया है, तो अब आप हमको ये बताइए कि ये वाला गेम कि मतलब जो जिनके बहुत कम GB का स्टोरेज वाला मैक मिनी होता है तो उसमें लोग खेलेंगे कैसे, हालांकि मेरे पास भी मैक मिनी है उसमें ही खेलता, ये है। ओके मैंने इसको ट्राई कभी किया नहीं है, मगर एक दिन जरूर ट्राई करूंगा और इसको अपने चैनल में जरूर डालूंगा, जो गेम्स मैंने मेंशन किए वो डालूंगा। ये हैवी वाले नहीं है, नोट कर लो, इसे मैं तेज से बता रहा है, ओके नोट कर लेना भाई, मैं सब हैवी वाले गेम से नहीं खेल पाऊंगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये 300 MB का गेम्स है अब, और अब मैं ज्यादा और मेंशन नहीं कर पाऊंगा, और ये और अब बाकी भी गेम्स भी है, जैसे ये मल्टीक्राफ्ट है, मल्टीक्राफ्ट उन्होंने खेला हुआ है, मतलब ज्यादा मिलता जुलता माइनक्राफ्ट से मगर उतना भी नहीं। हाँ एक और बात, ये गेम मल्टीप्लेयर है और इसमें आपको कोई बग नहीं मिलेगा, और ये कौन सा गेम भाई, एक मिनट फुटबॉल सिमुलेटर, ओके एक चीज अभी ये मुझे मिला, ओके तो दिस इज सिमिलर टू FC 20 राइट, सो ये 200 MB का है, तो इसको कोई भी खेल सकता है ये गेम, आई थिंक सो दिस इज अ गेम, सो यू कैन ट्राई इट एंड आई विल ऑल्सो ट्राई दिस गेम बिकॉज दिस इज सिमिलर टू भाई, दिस इज सिमिलर टू FIFA 20, यस आई एम राइट। ओके तो यहाँ पे ये लिबर्टी सिटी स्टोरीज, एक और बात, ये 1 GB का है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नॉट वेरीफाइड फॉर मैक ओएस डिजाइन फॉर ओनली आईपैड, ओके भाई आई डोंट केयर दो, ओके बस आज के लिए इतना ही, और ये रियल बॉक्सिंग गेम्स हैं, ओ माय गॉड रियल बॉक्सिंग ये आप खेल सकते हैं, दिस इज वेरीफाइड फॉर मैक ओएस और ये आईपैड उसमें भी चल सकता है, और ये सिर्फ 800 MB का है। ओके तो ये आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मन ना करे तो मत करना, मेरा कुछ जाता नहीं है वैसे भी, पता नहीं क्या होगा। ओके ये चैलेंज क्लाइमिंग, ओके ये देखो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, ये वेरीफाइड फॉर नॉट वेरीफाइड फॉर मैक ओएस डिजाइन फॉर आईपैड, मतलब फोन पे खेल सकते हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मैं आपको शूटिंग गेम्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें शूटिंग गेम्स जैसे टैंक वाले, शिप वाले, 5 GB, 2 GB के गेम्स रेट करके क्या बताऊंगा ही, और ये वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, मतलब ये भी डिजाइन फॉर आईपैड है नॉट वेरीफाइड फॉर मैक ओएस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरा कुछ नहीं जाता कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं कि लाइक करते हैं, जो करना है करिए, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक के लिए बाय।